आप सभी को आप कैसे आप लोग। तो आप लोगों को तो पता है कि 2022 जस्ट खत्म हो गया, दिसंबर चल रहा है, दो दो तीन हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं भाई नए साल पे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ली जाए या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया जाए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2022 के बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बताऊंगा जो अब तक की अपडेटेड लिस्ट है उस हिसाब से। मतलब बेस्ट सेलिंग भी है, बेस्ट स्कूटर भी है, अच्छी रेंज भी है, फीचर सब अच्छे मिलते हैं सब पे, आपको सब्सिडी मिलेगी, टेंशन मतलब बेस्ट तो सच्ची बेस्ट मिलेगी ना इसीलिए। तो अगर आप लोग भी नए साल में मतलब आने वाले साल के अंदर में जनवरी फरवरी के अंदर में और सोच रहे थे भैया बेस्ट कहीं से मिल जाए, कहीं से लिस्ट मिल जाए कि बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन से थे 2022 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर पूरी लिस्ट लेके आऊँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, टेंशन मतलब आपको सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले बता दूंगा डिटेल में, मतलब एक तरह से बता दूंगा कि सबके अंदर क्या क्या मिलता है, तो हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको आने वाले समय में कौन सा लेना है। बाकी भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले मतलब अपनी लिस्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, आपकी स्क्रीन है ना कोई सी भी, चाहे फ़ोन की, टैब की, लैपटॉप की, आईफोन की, किसी भी चीज़ की, थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो एक बटन आओगे सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के उसका कलर चेंज कर देना ताकि आपको ऐसी ऑन जॉन हमारा लगा रहे और ऐसी थोड़ी कनेक्टिविटी बनी रहे और मज़ा है आगे वो चीज़ें शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ, क्योंकि आगे इन फ्यूचर में आपसे कई चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो चाहे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, मैं ये चीज़ शेयर करने वाला आपके साथ। तो अगर आप लोग को ऐसी कनेक्टिविटी बनानी है तो फिर कर सकते हो। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि लिस्ट है 2022 की इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कि बेस्ट रहे हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है सिंपल वन। सिंपल एनर्जी ने कहा था कि अपने स्कूटर का जून में डिलीवरी स्टार्ट कर देगी, मगर उसने डिलीवरी अभी पोस्टपोन कर दी है, मगर आप लोग इसकी बुकिंग करा सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके 1947 रुपये देखें, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल है। सिंपल वन आपको चार कलर ऑप्शन मिलेगा और इस स्कूटर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन है और सिंपल एनर्जी अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और चार्जर पर 3 साल की वारंटी दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ सिंपल वन की, तो सिंपल वन के अंदर रिमोट लोकेशन, डिजिटल डिस्प्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन और इसके अंदर आपको मोबाइल ऐप की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मतलब ब्लूटूथ के थ्रू स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही इसके अंदर आपको वाईफाई, फास्ट चार्जिंग, लास्ट लोकेशन सेव करने के लिए फैसिलिटी दी हुई है, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, सिक्योरिटी के लिए जियो फेंसिंग, डिजिटल टच स्क्रीन के साथ कॉलर कनेक्ट, उसके साथ ही इसके अंदर आपको स्पीकर की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो लंबे जा रहे हो तो आप लोग गाने सुन सकते हो। और सिंपल वन के अंदर आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग हेलमेट साथ कई सारे ज़रूरी सामान रख सकते हो। और इस स्कूटर के अंदर एक फीचर काफ़ी अच्छा है, जो कि है ब्राइटनेस लेवल को मैनेज करना, जैसे कि दिन में आप निकल रहे हो तो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर दो, रात में कम चाहिए तो कम कर दो, जैसे कि आपके फ़ोन में होती है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ सिंपल वन की, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो 4500 वाट का पावर जनरेट करती है, इसके साथ ही इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 4.8 किलोवाट की है और लिथियम बैटरी है। और ये स्कूटर 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है और इसका जो ड्राइव सिस्टम है वो चेन ड्राइव सिस्टम है। अगर मैं फ्यूल और परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो फ्यूल तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 236 किलोमीटर तक की है, मगर इसको आप लोग 300 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हो एडिशनल बैटरी लगा के। और ये स्कूटर 0 से 40 की स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में ले लेता है। अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ, तो बैटरी चार्जिंग को लेके कंपनी कहती है कि 1 घंटे 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है और ये दोनों जगह चार्ज हो सकती है, चार्जिंग स्टेशन पे और आपके घर पे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर मैं इसकी वेट और कैपेसिटी की बात करूँ, तो इसका जो कार वेट है वो 110 किलोग्राम का है और इसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो 30 लीटर्स का है। अगर मैं इसके व्हील, टायर और ब्रेक की बात करूँ, तो इसके जो टायर है ट्यूबलेस है और अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, और इसके फ्रंट और रियर व्हील का जो साइज़ है वो 304.8 मिलीमीटर का है, मतलब 12 इंच का है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको सारी लाइटें एलईडी मिल जाती है, चाहे हेडलाइट हो, चाहे टेल लाइट हो, चाहे टर्न सिग्नल लैंप हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको चार कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि है ब्रेजन ब्लैक, नामा रेड, आजोर ब्लू और ग्रेस वाइट। इसकी जो प्राइस है वो 1,09,999 रुपये है और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, जो कि सब्सिडी मिलने के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। इसकी सब्सिडी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने स्टेट में गवर्नमेंट के हिसाब से। तो दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो ग्रेविटॉन का क्वांटा। कंपनी का दावा है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक बाइक है ग्रेविटॉन क्वांटा, ये मात्र 80 रुपये में आपको 800 किलोमीटर सफर करा सकती है, यानी कि आप लोग सिर्फ 10 रुपये के अंदर 100 किलोमीटर का सफर कर सकते हो। इस बाइक के अंदर आपको 3 किलोवाट की लियोन बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज पर आपको 150 किलोमीटर का सफर करा सकती है। और इसके अंदर आपको 2 बैटरी रखने की जो फैसिलिटी कंपनी देती है, यानी कि आप लोग एक चार्जिंग में मतलब दोनों बैटरी को एक बार चार्ज करके रख दोगे बाइक के अंदर, तो आप लोग लगभग लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ ग्रेविटॉन क्वांटा आपको 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होती है,
रेड वाइट और ब्लैक, ब्लैक कलर जो है इसका, इसको स्पेशल एडिशन के रूप में लॉन्च किया है, मतलब स्पेशल एडिशन के अंदर ही बेचती कंपनी। अगर आप लोगों को ये बाइक खरीदनी है तो इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग करा सकते हो इसकी वेबसाइट जाके। इस बाइक के अंदर आपको 3 किलोवाट की BLDC मोटर मिल जाती है जो कि 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 70 किलोमीटर तक की है, और कंपनी का दावा है कि अगर आप लोग इस बाइक को फास्ट चार्जर की मदद से चार्ज करते हो तो ये सिर्फ 90 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, मतलब सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी आपकी बाइक। और कंपनी के मुताबिक ये जो बाइक चार्ज होती है ये होती है 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से। वहीं अगर आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो, मतलब इस मोड में चार्ज करते हो, तो आपको टोटल 3 घंटे समय लगेगा। कंपनी अपनी ग्रावडाउन कॉन्टा के ऊपर आपको 5 साल की बैटरी वारंटी और आसान रिप्लेसमेंट अश्योरेंस के साथ अवेलेबल कराती है। इस बाइक के अंदर आपको 17 इंच के व्हील मिल जाते हैं और दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और उसके साथ इसके अंदर आपको डिजिटल डैशबोर्ड और ऑल LED लाइटिंग मिल जाती है। इस बाइक को आप लोग क्वांटा स्मार्ट ऐप के जरिए कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से, जिसमें आपको रोड साइड असिस्टेंट, मैपिंग सर्विस स्टेशन, रिमोट लॉक अनलॉक और लाइट ऑन ऑफ जैसी काफ़ी फैसिलिटी उठा सकते हो इसके एप्लीकेशन से, और उसके साथ इसके अंदर आपको व्हीकल ट्रैकिंग जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। और इस बाइक की जो प्राइस है वो 90,000 रुपये के आसपास है, जो कि एक्चुअल में प्राइस है। और आप लोग, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग लेनी है तो आप लोग इसकी वेबसाइट जाकर बुक करा सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बुक नाउ, जहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा 90,000 के आसपास। तो ये तीसरा लड़के स्कूटर है वो है ओला सन प्रो। अगर मैं ओला एसन प्रो के प्राइस की बात करूँ एक्सशोरूम, वो 1,40,000 रुपये है दिल्ली के अंदर। और अगर मैं इसके पावर और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो पावर मिलेगी आपको वो मैक्सिमम मिलेगी 8,500 वोट की, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 58 न्यूटन मीटर का। इसकी जो राइडिंग रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है वो 135 किलोमीटर की है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 115 किलोमीटर पर आवर्स की है। और ओला एसन प्रो की जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाएगी 6.5 घंटे के अंदर। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलता है आपको। ओला एसन प्रो की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम की है, और इसकी जो बैटरी है वो लिथियम आयन है जो कि 3.9 किलोवाट की है। और इसकी जो मोटर टाइप है वो मिड ड्राइव मोटर है IPM। तो अगर मैं ओला एसन प्रो के ब्रेक व्हील और सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको CVS का फीचर मिल जाता है, और साथ इसके अंदर आपको फ्रंट और रियर पे डिस्क मिल जाते हैं। फ्रंट व्हील भी मिलेंगे 220 मिलीमीटर की, और रियर भी मिलेंगे 180 मिलीमीटर की, और साथ इसके अंदर आपको बैलेंस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो उसके फ्रंट व्हील पे आपको सिंगल फोक मिल जाते हैं, और रियर साइड में मोनोशॉक मिल जाते हैं। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ ओला एसन प्रो की, तो इसका जो कार वेट है वो 125 किलोग्राम का है, लंबाई 1860 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 712 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1160 मिलीमीटर की है, और इसका जो व्हील बेस है 1360 मिलीमीटर का है, और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 मिलीमीटर का है, और उसका जो सीट हाइट है वो 792 मिलीमीटर पे है। और ओला एसन प्रो की जो चैसी है वो ट्यूबलेस चैसी है। और अगर मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करूँ तो कंपनी अपनी बैटरी पर 1 लिमिटेड किलोमीटर या 3 साल की वारंटी दे रही है, और मोटर पर 40,000 किलोमीटर या 3 साल की वारंटी दे रही है जो भी पहले आ जाए। और अगर मैं फीचर की बात करूँ ओला एसन प्रो की, तो इसके अंदर आपको डिजिटल ऑडोमीटर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, रिवर्स मोड, टच स्क्रीन डिस्प्ले, डायल्स, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, GPS एंड नेविगेशन, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल साउंड, पार्किंग असिस्ट, हिल असिस्ट, एंटी थेफ्ट सिस्टम, जियो फेंसिंग, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, USB चार्जिंग पोर्ट, 36 लीटर का स्टोरेज स्पेस, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर, पास लाइट, टर्न सिग्नल लैंप, LED टेल लाइट, LED हेडलाइट, क्लॉक, किल स्विच, लो बैटरी इंडिकेटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, स्टैंड अलार्म, क्रूज कंट्रोल, प्रॉक्सिमिटी लॉक और अनलॉक, रिमोट बूट लॉक और अनलॉक, इंफोटेनमेंट, लिंप होम मोड, गेट होम मोड, टेक मी होम लाइट, फाइंड माई स्कूटर, और वॉइस असिस्ट जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और ओला एसन प्रो के अंदर आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर। और हाइपर में कई लोगों ने क्लेम किया है कि इसकी जो रेंज है 181 किलोमीटर तक की है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ओला एसन प्रो को चलाने का आपको मंथली कॉस्ट कितना आएगा। तो लेट अज्यूम कि आप लोग डेली 60 किलोमीटर चला रहे हो इस स्कूटर को, मतलब 60 किलोमीटर डेली आना जाना हो रहा है आपका, और जो मैं इलेक्ट्रिसिटी रेट लेके ले चल रहा हूँ वो 8 रुपये पर यूनिट लेके चल रहा हूँ, तो इस हिसाब से जो आपको मंथली खर्चा आएगा ओला एसन प्रो चलाने का 60 किलोमीटर डेली के हिसाब से, वो आएगा 450 रुपये के आसपास मंथली। तो चौथा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है आईवोमी का जीत एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईवोमी ने जीत एक्स नाम से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, वैसे इसके 2 वेरियंट लॉन्च किए कंपनी ने, जीत एक्स और जीत एक्स 180। और कंपनी के अकॉर्डिंग, मतलब कंपनी ये कह रही है कि ये जो स्कूटर है पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, और RTO रजिस्टर्ड है, और AR सर्टिफाइड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और कंपनी का ये दावा है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपटीशन क्या क्या होंगे, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कंपटीशन है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसका जो कंपटीशन है इसी सेगमेंट के अंदर होगा, जो कि ओला एसन प्रो से, बजाज के चेतक से, TVS iQube से,
ओकिनावा ओके 90 से, और भी ऐसे स्कूटर से जो इस सेगमेंट के अंदर आते हैं, वो सेम रेंज और सेम स्पीड और फीचर प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ कि कितने कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, तो जो नया जी टेक्स आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये चार मैट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जो कि स्कारलेट रेड, इंक ब्लू, पॉश वाइट और स्पेस ग्रे। अगर आप लोगों की बुकिंग करानी है और आप लोग सोच रहे हो कि भैया सस्ता आ गया तो एक बार ले लेते हैं या बुक करा लेते हैं, तो जी टेक्स सीरीज आईवीएमई डीलरशिप पे 1 लाख रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये में वेरियंट के हिसाब से अवेलेबल है। इसे 1 सितंबर से आप बुक करा सकते हो, मतलब अगले महीने से। स्टैंडर्ड जी टेक्स की जो डिलीवरी है, जो कंपनी कह रही है, ये डिलीवरी स्टार्ट कर देगी 1 सितंबर से। मतलब आप लोग जैसे बुक कराओगे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, अगर कंपनी के वेटिंग पीरियड नहीं है, जैसे कि ओकिनावा का 3 महीने की वेटिंग पीरियड है। जबकि जी टेक्स 180 की जो डिलीवरी है वो सितंबर के एंड में स्टार्ट करेगी कंपनी। इसके अलावा कंपनी ने अपने नए जी टेक्स सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 सितंबर से पहले जो इनको बुक कराएंगे या खरीदेंगे उनके लिए 3,000 रुपये की एसेसरीज फ्री देने का वादा किया है, और फ्री देगी भी, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं डिटेल प्राइस की बात करूँ दोनों मॉडल की, तो जी टेक्स की जो प्राइस है इंडिया के अंदर वो है 99,999 रुपये, 1 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दी है आपको, जो कि अश्योरिंग प्राइस। जबकि जो इसका प्रीमियम मॉडल है जी टेक्स 180, इसकी प्राइस है 1,40,000 रुपये। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख से 1,40,000 के बीच में मिलेगा ये आपको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईवो में जी टेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर चार मैट कलर ऑप्शन अवेलेबल है, और कंपनी इसकी बैटरी पर 3 साल की वारंटी दे रही है, और इन सभी स्कूटर को आप लोग इसकी डीलरशिप या ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं खासियतों की बात करूँ इस स्कूटर की, तो जी टेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब ये AREIA से अप्रूव्ड है 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड में चलने के लिए। आईओमी जी तक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसको आप लोग इको मोड के अंदर 100 किलोमीटर तक चला सकते हो आराम से, मतलब इसकी जो रेंज है इको मोड के अंदर वो 100 किलोमीटर तक की है, जबकि राइडर मोड के अंदर ये रेंज 90 किलोमीटर हो जाती है। वहीं जो इसका प्रीमियम मॉडल है जी तक 180, इसकी जो रेंज है इको मोड के अंदर वो 200 किलोमीटर तक की है, वहीं स्पोर्ट मोड के अंदर इसकी जो रेंज है वो 180 तक हो जाती है। आईओमी एनर्जी ने जी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एसेसरीज के तौर पर डुअल डिटैचेबल बैटरी सेटअप दिया है, और दूसरे लो स्पीड वेरिएंट के अंदर भी डुअल बैटरी सेटअप का अपग्रेड किया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्विचिंग मोड में आसानी के लिए इजी शिफ्ट फीचर भी दिया गया आपको, और इसके अंदर बेहतर सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ रिवर्स गियर और डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको टचलेस फुट टच मिलता है, जिसे आप लोग बिना झुके हुए हाथों को यूज़ किए हुए अंदर बाहर कर सकते हो, और इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है इसके अंदर सामान रखने की स्टोरेज स्पेस। अगर मैं फीचर की बात करूँ इस स्कूटर की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते समय आप लोग स्विचिंग मोड में आसानी से इजी शिफ्ट जैसे कई सारे फीचर यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं M2GO X1 के बारे में। अगर मैं MIGO X1 के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है, जो कि लिथियम बैटरी होती है। इसमें लगी बैटरी पैक के साथ कंपनी इसके अंदर 2020 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटर भी देती है। इस इलेक्ट्रिक मोटर की ड्राइव रेंज की बात करें तो कंपनी दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज होने पर आपको 120 किलोमीटर तक की रेंज देता है, और MIGO X1 की जो टॉप स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है। और कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज होने में बहुत कम बिजली की जरूरत पड़ती है आपको। इसको चलाने का जो खर्चा आएगा आपका वो आएगा पर किलोमीटर 14 पैसे। कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रंट और रियर व्हील पे आपको डिस्क ब्रेक दिए हैं, और साथ ही इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अगर मैं फीचर की बात करूँ MIGO X1 के, MIGO X1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ट्विन एनालॉग एंड डिजिटल मीटर, एंटी थेफ्ट लॉक विद अलार्म, 4-in-1 लॉकिंग सिस्टम, USB चार्जिंग पोर्ट, एक्स्ट्रा बैग हुक, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ऑडोमीटर, आउटसाइड बैटरी टेम्परेचर, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल लैम और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं, और कंपनी दे भी रही है इसके अंदर। अगर मैं कीमत की बात करूँ MIGO X1 की, तो इसकी जो कीमत है वो 94,500 रुपये है, जो कि एक्चुअल प्राइस है, और इसी प्राइस पर कंपनी ने इसको मार्केट में अवेलेबल कराया है। और अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जा सकते हो, या अगर आप लोगों के पास शोरूम है तो वह शोरूम भी जा सकते हो। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह ओडिसी का हॉक प्लस। अगर मैं ओडिसी हॉक के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो ओडिसी हॉक के अंदर 2.9 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाती है आपको, और इस बैटरी पैक के साथ आपको 1800 वाट की पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। और इसके अंदर जो बैटरी पैक लगी है उसकी चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि अगर इसको आप लोग नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो, मतलब घर के सॉकेट से चार्ज करते हो, तो ये फुल चार्ज हो जाएगी 4 घंटे के अंदर। और इसकी रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि ये स्कूटर वो फुल चार्ज होने के बाद आपको 170 किलोमीटर की रेंज बड़ी प्यार से देगा, और ये जो रेंज है आपको चलाने पर डिपेंड करता है, और ये राइडिंग मोड पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ, तो इसके फ्रंट व्हील पर आपको डिस्क मिल जाते हैं, और रियर साइड में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ ओडिसी हॉक की, तो इसके अंदर कंपनी ने कई सारे एडवांस फीचर डाले हैं, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट,
अंतिथात अलार्म, म्यूजिक सिस्टम, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ ओडिसी हॉक की, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 74,000 से और मैक्सिमम जाती है 1,15,000 तक। और ओडिसी हॉक का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है, उसका जो कार्ब वेट है वो 128 किलोग्राम का है। ओडिसी हॉक का जो व्हील बेस है वो 1380 मिलीमीटर पे है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 मिलीमीटर पे है और इसकी जो सीट हाइट है वो 830 मिलीमीटर पे है। तो अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ ओडिसी हॉक की, तो इसके फ्रंट व्हील पे आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर साइड में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी सोच रहे थे कि भैया जनवरी फरवरी के अंदर मतलब आने समय के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर ले ले जाए पैसा बचाने के लिए, मिडिल क्लास के पैसे सोचती होती है भैया पैसा बच जाए अल्टीमेटली, चाहे पेट्रोल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट स्कूटर है इंडिया के अंदर 2022 के जो लिस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बेस्ट सेलिंग है लोगों की प्रेफरेंस में या प्रायोरिटी कह लो, प्रायोरिटी में ही हमेशा ये आते हैं, बाकी बहुत सारी कंपनी आती है उसकी टेंशन मतलब उसकी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जा सकते हो, मैंने बहुत सारे बताए, हर तरह की कंपनी बताई हुई, चाहे आप टेस्ला पकड़ लो, चाहे बिड़ला पकड़ लो, चाहे लोहिया मोटर्स का पकड़ लो, किसी भी कंपनी का पकड़ लो, मैंने वीडियोस पर बनाई हुई, डेफिनेटली बनाई हुई। अगर फिर भी कोई एक आधी बच गई है आने वाले समय में वो भी आ जाएगी, मैंने किसी को नहीं छोड़ा जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है। बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी लेते हो तो भाई मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म में, मेरे को बड़ी खुशी होगी, ताकि मेरे को लगेगा कि भाई लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करें अपनी लाइफ में दो पैसे बचाने के लिए। बाकी अगर आपको मैंने कोई डाउट है, कोई एरिया किसी बाइक के लिए, गाड़ी को लेकर लगे स्कूटर के लिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मीडिया में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर में, और एक वीडियो फॉरवर्ड कर दूँ ताकि आप लोग जब मन करे आप लोग दे सको, मतलब आपके पास रहे। और अगर आपके थोड़ा सा मन करे, थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करने, तो उसको शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तो बाय बाय, टेक केयर।